आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका एग्जाम जो है 10 मार्च को हेल्ड किया गया था। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ डॉप्ड रीजन्स ऑफ एसीआर इज, मीन्स जो नंबर ऑफ डॉप्ड रीजन्स जो होते हैं एसीआर के कितने होते हैं। तो ये जो है 4 जो होते हैं इसके डॉप्ड रीजन होते हैं, जैसे P प्लस N प्लस P और N, तो ये 4 जो होते हैं डॉप्ड होते हैं। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। ये थायरिस्टर इज रिवर्स बायस्ड, ए पॉजिटिव गेट पल्स इज अप्लाइड द थायरिस्टर, मीन्स अगर कोई थायरिस्टर है या SCR भी बोलते हैं हम थायरिस्टर को, अगर उसको हम रिवर्स बायस कर दें और पॉजिटिव गेट पल्स जो है उसमें हम अप्लाई करें, तो थायरिस्टर क्या होगा, तो ये जो है टर्न ऑन नहीं होगा अगर हम पॉजिटिव गेट पल्स देते भी हैं तब भी। क्यों? क्योंकि थायरिस्टर जो होता है ये अगर रिवर्स बायस है तो, इसलिए इसमें जो होता है ऑप्शन सी जो होता है ये राइट होगा, विल नॉट टर्न ऑन। ये थायरिस्टर नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मीन्स जो थायरिस्टर जो होता है उसको जरूरत होता है प्रोटेक्ट करने के लिए किसके अगेंस्ट में, तो बोथ हाई dV/dt एंड हाई dI/dt, मीन्स जो एब्रप्ट चेंज जो होता है वोल्टेज में, मतलब कि बहुत ही स्मॉल टाइम में जो वोल्टेज में चेंज होता है उससे भी हम इसको जो होता है प्रोटेक्ट करते हैं थायरिस्टर को, और जो करंट में चेंजिंग होता है एब्रप्टली उससे भी प्रोटेक्ट किया जाता है। सो इसमें ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज कम्यूटेशन मैथड्स यूजेस एन एक्जिलरी SCR, मीन्स कौन सा इनमें से कम्यूटेशन मैथड है जो कि एक्जिलरी SCR का यूज करता है। तो जो क्लास सी जो कम्यूटेशन मैथड है ये जो है कि एक्जिलरी SCR का यूज करता है, सो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट होगा। ए सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर फीडिंग ए रजिस्टिव लोड जस्ट बिफोर ट्रिगरिंग द वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर इज, मीन्स जो एक सिंगल फेज जो है हाफ वेव कन्वर्टर है और वो रजिस्टिव लोड के साथ ये कनेक्टेड है, यानी कि रजिस्टिव लोड को ये फीड कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम थायरिस्टर जो होता है अगर हम उसको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो जब हम ट्रिगर नहीं करेंगे तो यानी कि वो ऑफ कंडीशन में रहता है, और जब वो ऑफ कंडीशन में रहता है तो वो सेम जो होता है इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा, बिकॉज ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और सेम एज द इनपुट वोल्टेज। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। इन एन SCR दी एनोड करंट इज कंट्रोल्ड बाई, मीन्स जो SCR जो होते हैं इनमें एनोड करंट जो होता है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो केवल जो है ये एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। एक्सटर्नल सर्किट जैसे कि हमारा जो कम्यूटेशन सर्किट जो था क्लास ए क्लास बी क्लास सी और क्लास डी, तो इस केस में हम लोग करते क्या थे कि एक्सटर्नल सर्किट यूज करके, या उसी को कम्यूटेशन सर्किट बोला जाता है, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम कर दे रहे थे, तो SCR जो होता है ऑफ हो जा रहा था। तो ये जो है SCR के केस में एनोड करंट जो होता है हमेशा कंट्रोल्ड होता है एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें वो राइट होगा। ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट हैज ए फ्री व्हीलिंग डायोड, द फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट ओनली इफ, मीन्स एक सिंगल फेज जो है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है उसके पास फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो यूज कर रहा है, और जो फ्री व्हीलिंग ये पूछ रहा है कि जो फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो कब कंडक्ट करेगा। तो लोड जो है या तो प्योर इंडक्टिव हो या कॉम्बिनेशन हो रेजिस्टिव और इंडक्टिव का, तब जाके ये फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है ये कंडक्ट करता है, बिकॉज जो इंडक्टिव जो होता है इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है और फिर वो जो होता है अपना पोलैरिटी चेंज करके जो डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज होते समय ये फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है ये ऑन होता है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा कि या तो प्योरली इंडक्टिव होना चाहिए या कॉम्बिनेशन होना चाहिए रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का। इफ टी ऑन एंड टी ऑफ आर द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम्स ऑफ ए थायरिस्टर देन, मीन्स अगर टी ऑन जो है ये टर्न ऑन टाइम है थायरिस्टर का और जो टी ऑफ जो है ये टर्न ऑफ टाइम है थायरिस्टर का, तो इस केस में क्या होगा कि जो टर्न ऑफ टाइम जो होता है वो ज्यादा होता है टर्न ऑन टाइम से जो थायरिस्टर होते हैं उनके केस में, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। द डिवाइस कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग ए ट्राइक इज, मीन्स कौन सा डिवाइस जो है वो कॉमनली यूज करते हैं हम ट्रिगर करने के लिए ट्राइक को,
तो ये जो है डायक यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। ए ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी यूजफुल टू बी कॉन्फिगर्ड एज एन एम्पलीफायर व्हेन इट्स बीटा इज। मीन्स ट्रांजिस्टर जो होता है ये यूजफुल होगा, यूजफुल मतलब उसे माना जाएगा जब उसका बीटा का वैल्यू जो होता है कितना होगा तो ग्रेटर देन 50 होगा। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ SMPS ओवर लीनियर पावर सप्लाई। मीन्स इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से मेन एडवांटेज जो है SMPS का क्या होता है ओवर लीनियर पावर सप्लाई का, तो ये जो है लो पावर डिसिपेशन होता है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट स्विंग फॉर ए क्लास डैश एम्पलीफायर। ये पूछ रहा है, ये फिगर दिया हुआ है कि ये जो है आउटपुट जो स्विंग दिखा रहा है ये कौन सा क्लास का एम्पलीफायर का है, तो इसमें जो है 180 डिग्री आउटपुट स्विंग दिखा रहा है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, बिकॉज जो क्लास बी एम्पलीफायर होते हैं उनके आउटपुट जो स्विंग होता है वो 180 डिग्री होता है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। इन ए स्टेप डाउन चॉपर यूजिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टी ऑन जो है इसमें दिया हुआ है कि 3 मिली सेकेंड है, मीन्स 3 × 10⁻³ सेकेंड, और जो ऑफ टाइम है इसका यह है 1 × 10⁻³ सेकेंड। इसमें चॉपिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो जो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टोटल टाइम पीरियड के। तो मतलब कि यानी कि एफ इक्वल टू होता है 1/T, तो जो टी जो होगा टोटल टाइम पीरियड वो होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 मिली सेकेंड, यानी कि 4 × 10⁻³ सेकेंड आएगा। तो जब हम इसको फ्रीक्वेंसी जब फाइंड आउट करना है चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो एफ इक्वल टू हो जाता है 1/टाइम पीरियड, तो 1/4 × 10⁻³ करेंगे और जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 250 हर्ट्स। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। विच एम्पलीफायर इज कॉमनली यूज एज ए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। मीन्स कौन सा एम्पलीफायर जो है ये कॉमनली यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की तरह। जो क्लासी जो एम्पलीफायर होते हैं ये कॉमनली यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें ये करेक्ट होगा। ए सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट हैज VS इक्वल टू 230 वोल्ट विथ ए रेजिस्टिव लोड ऑफ 100 ओम, फाइंड द एवरेज लोड करंट एट अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये VS जो है यहाँ पे RMS वैल्यू दिया हुआ है, तो RMS वैल्यू तो सबसे पहले हम जो है इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है VM, यहाँ पे VS नहीं होता ये VM होता है, VM डिवाइड बाई 2πr और 1 प्लस cos α होता है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है 30 डिग्री यानी कि फायरिंग एंगल, और उसके बाद रजिस्टिव लोड जो है वो दिया हुआ है 100 ओम। उसके बाद ये जो VM होगा वो VM हो जाएगा VS रूट 2, यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ रहता है वो RMS वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो VRMS जो होता है वो होता है VM अपन रूट 2, तो VM इक्वल टू हो जाएगा VRMS मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। तो जब 230 को मल्टीप्लाइड कर देंगे रूट 2 से तो VM निकल जाएगा, तो VM का वैल्यू ऊपर यहाँ पुट करेंगे, फिर 2π और रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 और फिर 1 प्लस cos और 30 डिग्री। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.96 एम्पियर। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। ये ड्यूअल कन्वर्टर्स हैज, जो ड्यूअल कन्वर्टर्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, तो दो जो है फुल कन्वर्टर्स होते हैं एंटी पैरेलल में। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ए स्टेप ऑफ चॉपर इफ ड्यूटी साइकिल अल्फा इक्वल टू 0.5 देन। ये जो है सेटअप नहीं है, ये स्टेप ऑफ है, यहाँ पे हिंदी में सही लिखा हुआ है स्टेप ऑफ, यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत से लिखा गया, गलती लिखा गया। तो ये जो है स्टेप ऑफ चॉपर में अगर ड्यूटी साइकिल का वैल्यू जो है अगर अल्फा इक्वल टू 0.5 होगा तो जो आउटपुट का वोल्टेज जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा इनपुट के वोल्टेज से। तो यहाँ पे वी नॉट जो है ये आउटपुट का वोल्टेज शो कर रहा है, VS जो है ये सप्लाई वोल्टेज है। तो यहाँ पे स्टेप ऑफ चॉपर का मतलब हो गया कि आउटपुट का वोल्टेज हमेशा ज्यादा होगा इनपुट के वोल्टेज से। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन UJT विथ VBB एज दी वोल्टेज अक्रॉस टू बेस टर्मिनल।
the emitter potential at peak point is given by, means अगर UJT में अगर VBB जो है ये voltage across से base terminal है और जो emitter potential जो है हमारा peak point को कैसे दिया जाएगा, मतलब कैसे उसको निकालेंगे, तो इसका जो formula होता है वो होता है NVB plus VP, तो ये जो है ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेप डाउन चॉपर इज आल्सो कॉल्ड एज, जो स्टेप डाउन चॉपर जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो ये जो है इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी बोला जाता है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। SMPS आर बेस्ड ऑन दी डैश प्रिंसिपल, मीन्स जो स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है ये बेस्ट रहता है किसके प्रिंसिपल पे, तो ये जो है MOSFET के प्रिंसिपल पे बेस्ट रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।